नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर की बात करेंगे, सर्कुलर नंबर 90, जो कि जीएसटी पॉलिसी विंग ने 18 फरवरी 2019 को इशू किया था। आईजीएसटी के ऊपर सर्कुलर है दोस्तों। हमें पता है कि हम जब टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो रूल 46 के हिसाब से 17 आइटम्स उस टैक्स इनवॉइस पे कंपल्सरली होनी जरूरी है। अगर कोई भी आइटम वहां पर उस टैक्स इनवॉइस पे, कोई भी इंफॉर्मेशन हम उस टैक्स इनवॉइस पे नहीं देते हैं, जैसे कि नाम, एड्रेस, GST IN नहीं देते हैं, तो वो एक ऑफेंस है, एक प्रॉब्लम है, एक वॉयलेशन है। सिमिलरली उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, उसमें उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी इंटरेस्टेड सप्लाईज हैं उसमें जो टैक्स इनवॉइस इश्यू होते हैं उसमें रूल 46 सब रूल एन का कंप्लायंस नहीं है। सब रूल एन क्या कहता है कि जब भी आप इंटरेस्टेड सप्लाई करते हैं, आप प्लेयर्स ऑफ सप्लाई और उस स्टेट का नाम जहां पर वो सप्लाई हुई है, जहां पर वो सप्लाई जा रही है, वो लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि ये जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स में टैक्स उस स्टेट को बिलोंग करता है जहां पर गुड्स और सर्विसेज फाइनली कंज्यूम होते हैं। जब तक हमें टैक्स इनवॉइस पर यह नहीं पता होगा कि ये गुड्स और सर्विसेज फाइनली कंज्यूम कहां हो रहे हैं, डिस्टाइन कहां हो रहे हैं, जा कहां रहे हैं, तब तक सरकार, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट आपस में आईजीएसटी का अपोर्शनमेंट नहीं कर सकती दोस्तों। और इंडस्ट्री में बहुत सारे ओकेजन पे सरकार को नजर आ रहा था कि टैक्स इनवॉइस पर यह इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक सर्कुलर निकाला और उन्होंने कहा कि अगर आप ये इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। मतलब आपको हर टैक्स इनवॉइस में रूल 46 सब रूल एन को कंप्लाई करना है, प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना है और उस स्टेट का नाम लिखना है जहां पर भी वो सप्लाई हो रही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सेक्शन 122 या 125 में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी और पेनल्टी का अमाउंट है ₹25,000 पर ओकेजन। सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 में भी पेनल्टी ₹25,000 की है और 125 जो है, सेक्शन 125 जो है वो उसमें जनरल पेनल्टी है, वो भी ₹25,000 तक की है। वो 10,000, 5,000, 20,000, ₹25,000 पर इनवॉइस आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर आपने रूल 46 सब रूल एन को कंप्लाई नहीं किया, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई और जहां पर वो सप्लाई हो रही है उस स्टेट का नाम हर इनवॉइस पर मेंशन नहीं किया, ये सर्कुलर ये बताता है। अब तक सर्कुलर जो दो हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो और इस वीडियो में, सर्कुलर 89 एंड 90, दोनों आईजीएसटी के बारे में बताते हैं और दोनों का फोकस इस बात पर है कि आईजीएसटी का जो टैक्स का एप्रोप्रिएशन है, अपोर्शनमेंट है, सेंटर और स्टेट के बीच में वो प्रॉपर हो, उसके लिए वो टैक्स पेयर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं कि आप प्रॉपर कंप्लायंस करें, ताकि सेक्शन 17 ऑफ आईजीएसटी जो ये बताता है कि आपस में आईजीएसटी का सेंटर और स्टेट के बीच में अपोर्शनमेंट कैसे होना है, बंटवारा कैसे होना है, उसका कंप्लायंस हो सके। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जरूर करें ताकि आप पेनल्टी से बच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।